बिहार के पर्यटन मंत्री व भाजपा विधायक नारायण शाह के पुत्र को रौब दिखाना महंगा पड़ गया। बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर मंत्री के पुत्र की गोलीबारी से कई लोग घायल हो गए, उनमें कुछ गंभीर भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए बेतिया स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया गया है। नौतन के हरदिया गांव में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह के बगीचे में खेल रहे बच्चों को मंत्री पुत्र एवं उनके साथियों ने खेलने से मना किया तो बच्चे नहीं माने। इसी क्रम में मंत्री पुत्र बबलू ने आक्रोशित होकर फायरिंग कर दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गयी। मंत्री पुत्र की फायरिंग से कई बच्चे घायल हुए, जिनमें कुछ गंभीर स्थिति में है। इसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई, ग्रामीण भड़क गए। उसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर मंत्री पुत्र और कर्मियों को जमकर पिटाई की। गुस्सा इतना भड़क गया कि पिटाई के बाद मंत्री की गाड़ी में भी तोड़फोड़ करने की खबर मिली। पुलिस को घटना स्थल पर ग्रामीणों ने पिस्टल व राइफल सौंप दी है। खबर है कि दोनों हथियार मंत्री पुत्र का है। जिस लड़के को चोट लगी है, उसकी मां ने बताया कि मेरा बेटा कुछ लोगों के साथ वहां क्रिकेट खेल रहा था, उसका बगीचा भी वहीं है। जब मंत्री पुत्र बबलू शाह को इसकी जानकारी मिली तो वह हथियार के साथ कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और मारपीट करने लगा, और लड़कों के घर वाले भी वहां थे। उन लोगों के बीच बचाव की खबर है। महिला ने बताया कि उसका बेटा किनारे खड़ा रहा, फिर भी उसको मारा गया। महिलाओं का कहना है कि मंत्री पुत्र की यह करतूत निसंदेह निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि घायलों की चिकित्सा GMCH बेतिया में हो रही है। नौतन थाना के पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे हम एगो फायरिंग सुने हैं तो आए हैं, तो लोग खेल रहा था तो भाग रहे थे, एगो बंदूक बिगा था, लोग बंदूक उठा करके रखे हैं। रखने के बाद देवेंद्र बाबू के पास फोन किए तो देवेंद्र बाबू आए हैं तो उनको हाथ में हम सौंप दिए। हम देवेंद्र बाबू कौन है? थाना के दरोगा साहब हैं। अच्छा अच्छा, कौन फायरिंग किया है? अभी तो हमको मालूम नहीं है कौन फायरिंग। कौन भाग रहा था? भाग रहा था, हम उसको थोड़े से जान रहे हैं कौन भाग रहा था। तो बंदूक कहाँ से मिला है? बंदूक उस मोड़ पर से मिला है जो हम दिए हैं। छोड़ के भाग गया है? ना, छोड़ के भागा, थोड़े वो बुर्बक आदमी छीन करके वो बुर्बक आदमी ले लिया था, तो हम सोचे कि इधर उधर करेगा तो उसको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, दूसरे को, तो हम ले लिए हैं उसके हाथ से, ले जाकर रख दिए। फोन करके देवेंद्र बाबू को दे दिए। आपका नाम? मेरा नाम अजय प्रसाद। क्या बोला है? लगाते क्यों? पहले से कोई विवाद है? मेरा खेत है वहाँ पे, मेरा भाई आया था अपने खेत में, पेड़ है तो कोई आएगा नहीं देखने, कैसा है क्या है उसका देखभाल नहीं करेंगे लोग। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? और सब खेल रहा था क्रिकेट, उस सबको मारने लगा। किसको किसको मारा है? राइफल लिया है। किसको किसको मारा है बाबू? किसको किसको मारा है? मेरी माँ को मारा है, मेरा भाई को मारा है, और जिसको भी मारा है सबको इमरजेंसी में भर्ती है। हम है। क्या नाम होगा तुम्हारा? मेरा सारिका नाम है, सारिका कुमारी। कहाँ का घटना है? हरदिया का। क्रिकेट खेल रहा था लोग। अच्छा। ग्राउंड है तो कोई भी खेल भी करेगा। अच्छा अच्छा। तो क्या कुछ भी कर देगा, जान ले लेगा। हम क्या किए थे ये देखिए, हम क्या किए थे? कौन मारा है? कौन मारा? उसका तो नाम ही नहीं जानते हैं हम लड़की, हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। अच्छा, कौन था लो? किसका गाड़ी? नारायण शाह का, नारायण शाह का जो भी था, बेटा था, कुछ भी हो वो था। उसका भाई था? हाँ, उसका भाई था, उसका बेटा था। कितने का संख्या में थे लोग? कितने का संख्या में खेल रहे थे बच्चे? तो हम लोग बैठे थे तीन चार बंदे, तो सब किसी को आते आते उठा कर डंडे से सब बच्चे को मारने लगे। बकरी ले जा रहा था लोग, बच्चे लोग, सब बच्चे लोग का बकरी खेत खेत के मारा लोग, लेडीज लोग, लेडीज इसमें जा रही है लोग, उन लोग खेत खेत के मार रहा है लोग, गाली दे रहा है। कौन मार रहा था? वो नारायण सा के घर के आए था लोग, तीन चार बंदे, नाम तो नहीं जानते हैं, तो सब लेडीज को सबके गाली देते हैं, सब मैंने लेडीज इतना भंडी भंडी गाली दे रहे थे लेडीज को। लेडीज क्या मैंने इसमें जा रहा है, रास्ता यही तो है, नारायण सा है तो क्या है, मैंने ये बनाए हैं सब, तो वो लोग नहीं जाएंगे इसमें है, गाड़ी गाटा करवा दिए हैं इसमें रास्ते में, तो उस क्या में आ जाते हैं वो भी तो किसी को रास्ते में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। किस चीज से आया था लो? स्कॉर्पियो से आया था लो, तीन स्कॉर्पियो आया था। गाड़ी भी कोई है यहाँ? हाँ, गाड़ी एक है, स्कॉर्पियो एक है, लगा है, अभी नहीं हम लोग नहीं जाने देंगे स्कॉर्पियो, तब ले वो नहीं आएंगे तब ले। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है। हमनी से कौनो झगड़ा तकरार नहीं है, हमनी के ना जानी संजय उलाफड़ा वाला जमीन है, मजदूरी करे गई रही है, रोज कमा के लिए आईले, हमनी के खाई ले, सब हमारे छोटा छोटा बच्चा बाड़े लो, ठीक बा। आज हमनी के ना जानी संजय झगड़ा हुई, आई हलो गईनी हलो काम करे तो जरा से लफड़ा बा कह दिले रही जे तुनु मत काम कर लो, तो यहाँ लोग भाग अती लो, हमनी के दूसरा जगह कमाती लोग खाती सर मजदूर तो मार के वहाँ लोग देह खराब कर देनी लो, अब हमनी के बाल बच्चा कैसे जियो सर।
उस जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखाए आज से कम 50 बरस पहले, जमीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में था। कभी पुआल रख देना, कभी आपका खर रख देना, कभी आपका जो हाथा जो दिया जाता है उसको भरवा देना, सड़क बना देना, ये प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही थी, हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे थे। आज घटना तो हमको बाद में पता चली है, इसलिए कि हम 9:30 बजे गए स्नान करने के, पूजा करने, और खाना खा रहे थे तो पोतों मेरी दौड़ी हुई आई है, कहे कि पापा जी उनसे झगड़ा हो गया। हम कैसे झगड़ा हो गया तो बताई, तो हमने पता किया तो पता चला कि हमारे छोटे भाई हरिंदर जी गए थे वहाँ, वहाँ जो अशोक खर पतवार भी रखे हुए थे, और वहाँ ज़मीन जो है हाथे को तोड़वा दिया था लोग, और वहाँ रास्ता अभी चलवा रहा था लोग खुड़पड़ी, तो क्रिकेट भी लड़का सब खेल रहा था। मना किया कि भाई तुम क्यों लोग खेलते हो, बगीचा है यहाँ, खेलने कूदने से जमीन बंजर हो जाती है, फल फुलवारी सूख जाता है, आम का गाछ सूख जाता है, तो तुम लोग अपने अपने पिताजी का नाम बताओ किनके किनके लड़के हो। उसी पे कोई लड़का है उनको जो अशोक गुल्ली डंडा जो होता है ना, बॉल फेंकता है, उसे चला दिया और उखाड़ के मार दिया कि आप कौन रोकने वाले हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग खेलते आए हैं, खेलते रहेंगे। तो उन्होंने मना किया है, मना करने के बाद कुछ उनसे झड़प हो गई है, तो वो हमारे घर पर फोन किए हैं जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 वो को भेजा है पहले कि जाकर सांत्वन करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी वो लोग जो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल ले और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। 2 आदमी का मारकर माथा फोड़ दिया गया है। ये लोग नहीं फोड़ा है, वो जो ईटा पत्थर, एक आदमी का हाथ भी टूट गया है, ईटा पत्थर जो चला रहा था उसी से इन लोगों को भी इंजुरी हुआ और उन लोगों को भी इंजुरी है। उनको पता चला है कि उनके अपने परिवार की, उनकी माँ जो थी बगल मोहतो के लड़का है, उसकी लड़की और लड़का का जो बात है, वो लोग ईटा जो पत्थर चला रहा था उसी पत्थर से लड़का को चोट लगी है, आज जिसके वजह से ये लोग और भी उस पर तूफान होकर जितने भी लोग गए थे सभी को बहुत बुरी तरह से पीटा है लो, लाठी से, डंडे से। आपके लग अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।